भारत और यूरोप के चार देशों के संगठन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। इसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस समझौते से भारत में न सिर्फ अरबों का निवेश आएगा बल्कि लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि FTA क्या होता है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। इस डील से भारत में कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं ये भी बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि स्विस घड़ियां और चॉकलेट और विदेशी शराब कितनी सस्ती होंगी। इसके अलावा इन देशों से भारत में कितना निवेश आएगा और कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी ये सब भी जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दिललन डॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारत ने यूरोप के चार देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के बीच रविवार 10 मार्च को यह कारोबारी समझौता हुआ है। इसी समझौते की जानकारी देते हुए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि इस समझौते से आने वाले समय में भारत में इन चार देशों से $100 अरब का निवेश आएगा। भारतीय रुपए में अगर इन्हें कन्वर्ट करूं तो ये रकम करीबन 8,27,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगी। गोयल ने कहा, ये डील 16 साल की लंबी कवायद के बाद पूरी हो पाई है। सबसे पहले जानते हैं कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आखिर होता क्या है और जिन देशों के साथ भारत ने ये समझौता किया है उनका उन देशों का नाम क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को शॉर्टकट में FTA कहते हैं और हिंदी में इसे मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। FTA दो देशों के बीच ऐसा समझौता होता है जिसका पहला मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना होता है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं के आयात और निर्यात में आने वाली रुकावटों को दूर करना होता है। जब दो देश फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं तो एक दूसरे के देशों में आयात निर्यात होने वाली चीज़ों में कस्टम ड्यूटी या तो कम कर दी जाती है या फिर पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ ही आयात निर्यात के नियमों में भी सख्ती नहीं बरती जाती है। विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को आसानी से वीज़ा मिल जाता है। नौकरी पेशा लोगों को भी वीज़ा मिलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा दो देशों के बीच चीज़ों का आयात और निर्यात दोनों ही काफ़ी आसान हो जाते हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जिन चार देशों के साथ भारत ने डील फाइनल की है उन देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिनसेस्टाइन शामिल हैं। ये चारों ही देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। इस ट्रेड समझौते के लिए साल 2008 में बातचीत शुरू की गई थी और फिर नवंबर 2018 में ये बातचीत रुक गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2016 में फिर से इस पर चर्चा शुरू हुई। बताते हैं कि इस समझौते पर फाइनल मुहर लगने से पहले कुल 21 राउंड की वार्ता की गई, तब जाकर बात बन पाई है। ये मुफ्त व्यापार के लिहाज से एक बड़ा समझौता है क्योंकि इसमें निवेश को अनिवार्य किया गया है। इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में इस समझौते को भारत और EFTA देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से एक ऐतिहासिक पल बताया है। PM ने कहा, इस ऐतिहासिक समझौते से देश के युवाओं के लिए नौकरियां पैदा होंगी। वहीं नॉर्वे के व्यापार मंत्री जेन क्रिश्चियन वस्त्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। अब समझते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि इससे फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट, फूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा होगा। इंडिया टुडे से जुड़ी गीता मोहन की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के पूरा होने से अब दोनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली ज्यादातर चीजों से सीमा शुल्क या तो घट जाएगा या पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। भारत को फायदे की बात करें तो भारत में बनने वाले लगभग सभी कृषि उत्पादों को EFTA में शामिल चार देशों के मार्केट में बड़ा हिस्सा मिलेगा। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इस सौदे से जहां भारत को बड़ा निवेश मिलेगा, वहीं बदले में यूरोपीय देशों के प्रोसेस्ड फूड, बेवरेजेस और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को भारत के बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। उन्होंने आगे बताया, डेयरी प्रोडक्ट और जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद, सोया समेत कई और चीज़ों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि इन प्रोडक्ट्स पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। भारत ने जिन चार देशों के साथ ये समझौता किया है उनमें से ये स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मोटा मोटी 1,44,000 करोड़ रुपये का हुआ था। इसी वजह से स्विट्जरलैंड की सरकार ने इस समझौते को मील का पत्थर कहा है।
इस समझौते के बाद भारत कुछ समय के लिए महंगे स्विस उत्पाद जैसे कि स्विस घड़ी, चॉकलेट और बिस्किट जैसी चीजों पर कस्टम ड्यूटी हटा देगा। डील के अनुसार भारत गोल्ड को छोड़कर स्विट्जरलैंड से लगभग 95% औद्योगिक आयात पर कस्टम ड्यूटी तुरंत या फिर आने वाले समय के साथ हटा देगा। इससे सी फूड जैसे कि टूना, सालमन, कॉफी, कई तरह के तेल और कई तरह की मिठाइयाँ और प्रोसेस्ड फूड की कीमत भारत में कम हो जाएगी। इसके अलावा स्मार्टफोन, साइकिल के सामान, मेडिकल के उपकरण, डाई, कपड़ा, स्टील के सामान और मशीनरी भी सस्ते हो जाएंगे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के प्रमुख अजय श्रीवास्तव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, भारत में स्विट्जरलैंड के सामानों की कीमत सस्ती होने वाली है क्योंकि इन पर लगने वाले टैक्स हटा दिए जाएंगे। वाइन पर ड्यूटी 150% से घटाकर 100% कर दी जाएगी। उनके मुताबिक आने वाले सालों में कट पॉलिश डायमंड पर 5% की ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी जाएगी। वहीं नौकरियों की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस समझौते से अगले 15 सालों में 1,000,000 नौकरियां पैदा होंगी। आपको बता दें कि भारत दुनिया के कई और देशों के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर चर्चा कर रहा है। इन देशों में यूके, यूरोपियन यूनियन और ओमान शामिल हैं। भारत यूके के साथ ऑटोमोबाइल, स्कॉच विस्की, चॉकलेट और मीट प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में कटौती की मांग समेत अन्य ट्रेड डील पर चर्चा कर रहा है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।